अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग सुन्नी की लाइफ। सो गाइस, जो मेरा फेस टू इंटर्नशिप है वो शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने कहा था अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं आप सबको अपनी इंटर्नशिप की जर्नी बताऊंगी अपने अगले व्लॉग में, तो मैं आ गई, आई एम बैक विथ माई न्यू व्लॉग। यस गाइस, इंटर्नशिप चल रही है और आज इंटर्नशिप का डे वन है, और ये व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि जो ये इंटर्नशिप है मैंने उसको बहुत अच्छे से इंजॉय किया है। तो ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए। सो गाइस, आज फर्स्ट डे है और मैं जल्दी आ गई थी, आज कुछ 10 मिनट्स पहले आ गई थी। सो गाइस, मुझे मेरे क्लासेस मिल गए हैं। तो मुझे है ना, एक्चुअली बायो और इंग्लिश मेरा मेथड है, और मुझे है ना 8th क्लास गर्ल्स एंड बॉयज़, 9th क्लास गर्ल्स एंड बॉयज़ मुझे है ना इंग्लिश मिली थी। फिर गाइज, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया पोर्शन शुरू करना, क्योंकि हमें यहाँ पे 40 डेज रहना जो है, और उसके हिसाब से तो वन वन यूनिट, 1.5 यूनिट तो होनी ही चाहिए। और मुझे है ना गर्ल्स एंड बॉयज़ तो मिले ही थे 8th के और 9th के गर्ल्स। तो उसके बाद तो मैं ना प्रिपेयर हो रही थी और उन लोगों को एक्सप्लेनेशन कर रही थी। उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद जो मेरे पीरियड प्लान्स थे उसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग भी होगी। सो गाइस, थोड़ा सा वक्त मिला था मुझे, तो मैं ड्रामा देख रही थी, और ये इतना देखती हूँ मैं ये ड्रामा, और ये वाला मेरा फेवरेट है, और इसको जितनी बार देखूँ मैं कम ही लगता है मुझे। तो थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं ये देखने लगी, फिर उसके बाद पैकअप। सो गाइस, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग मॉर्निंग, और मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए। हाँ, अब स्कूल वाली यादें तो छूट गई थी जो हम जब स्कूल में थे, अब ऐसे ही बोलना पड़ता है इंटर्नशिप में भी। तो गाइस, जाते हैं जल्दी जल्दी और आते हैं जल्दी जल्दी। तो उसके बाद मैं जाने लगी, और गाइस मैं ना बाय वॉक ही जाती हूँ, क्योंकि जो स्कूल है वो मेरे लोकेलिटी से थोड़ा करीब में ही है, कुछ 15 एंड 20 मिनट्स का रास्ता है। सो गाइज, उसके बाद मैं जो उर्दू सेक्शन रहता ना उनको भी इंग्लिश पढ़ाई, सिर्फ 3 डेज के लिए, क्योंकि उसके बाद उन लोग को कोई दूसरे लेक्चर ने स्टार्ट कर दिया। फिर गाइज, जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिला था, जब लीजर था, तो मैं यहाँ अपना जो पीरियड प्लान है उसकी तैयारी में लग गई थी, क्योंकि मुझे बनाना था और मुझे दिखाना भी था, क्योंकि जो फ्लोर इंचार्ज और जो सर रहते हैं ना फैकल्टी, उनको देखना पड़ता है। फिर गाइज, उसके बाद मैं प्रिपेयर हो रही थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो मेरा जो मुझे क्लास मिली थी 8th गर्ल्स 8th बॉयज़, तो बायो भी मुझे मिल गई। फिर गाइज, उसमें से थोड़ा सा वक्त मिला था, फिर मैं गई गर्ल्स को पढ़ाने के लिए 8th। तो उन लोग को ना 9th चैप्टर स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि उन लोग को ना 8th चैप्टर हो गया था, तो उसके बाद कंटिन्यू किया मैंने। और उसमें जो थोड़ा सा वक्त मिलता है, तो हमें ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी ध्यान देना पड़ता है और उन लोगों के नोट्स भी चेक करने पड़ते हैं। फिर गाइस, हो गया इसी तरह से वो डे गया, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर रिटर्न घर जा रही हूँ स्कूल से, तो ये भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है, अभी मैं घर पर जा रही हूँ। सो गाइज, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, और मुझे ना खाए ही नहीं जा रहा, 8:30 हो रहे हैं इतनी जल्दी। सो गाइज, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, कैसे कैसे करके खाना अपने गले से निकाला है मैंने क्योंकि मुझे निगले ही नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद ना मैं रेडी हो गई, फिर अब जा रही हूँ स्कूल के लिए। तो यही सेम शेड्यूल चल रहा है, रूटीन डेली, और आदत हो गई है। सो गाइज, उसके बाद ना क्लासेस अलॉट किए थे, क्योंकि ये सब पीरियड्स में जाना है, और उसके बाद ना जो सब्स्टिट्यूशन रहते हैं वो। और गाइज, ये देखिए मेरा पीरियड प्लान, क्योंकि दो मेथड है तो दोनों के भी बनाने पड़ते हैं एक साथ, और उसी तरह से प्रिपेयर भी होना पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है। सो गाइज, उसके बाद घर ही मैं, और जो न्यू स्टॉव आया था, सो गाइज मैंने सोचा कि सूजी का हलवा ही बना लेती हूँ, तो बनाया। फिर उसके बाद चाय भी गर्म की, चाय भी बन गई, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी हो गई थी इन डेज हर दिन ही ज़रूरी होती है।
सो गाइस इसके बाद होगी नेक्स्ट मॉर्निंग और सेम वही रूटीन, जा रही हूँ स्कूल के लिए। और अब एक ऐसी ऐसा हो गया है ना कि अगर नहीं भी जाऊँगी तो मुझे मेरा पूरा दिलो दिमाग मेरे स्कूल में ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि अब डेली ही जाती हूँ, और छुट्टी लेने का मन भी नहीं कर रहा था, और इतना टायर्ड हो गई थी ना तो भी मैंने छुट्टी ली नहीं। हाँ कभी आफ्टरनून से चले गई। सो गाइस उसके बाद जा रही हूँ मैं स्कूल के लिए, रास्ते में जैसे कि मैंने कहा कि मैं बाई वॉक ही जाती हूँ। सो गाइस उसके बाद ना हमें ना हायर क्लासेस के साथ साथ भी दो प्राइमरी के क्लासेस भी दिए हैं, थर्ड और फोर्थ एक एक क्लासेस दिए हैं, क्योंकि उन लोग के जो टीचर्स थे वो नहीं आ रहे थे तो उन लोग का पोर्शन रुक जा रहा था। सो गाइज हमने यहाँ के मिड डे मील्स भी ट्राई किए हैं। सो गाइज हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और सेम उसी तरह से मैं जा रही हूँ डेली, एक रूटीन बन गया है और एक शेड्यूल है जो फॉलो करना है। सो गाइज उसके बाद चली मिलते हैं और जल्दी जल्दी जाते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं। सो गाइस जो मैं लंच कर रही थी ना तभी भी मैं लंच घर पर ही जाके कर रही थी, और मैं ना लंच बेल से पहले आ जा रही थी, तो मेरे जो कलीग्स लोग डाउटफुल थे कि मैं इतना जल्दी कैसे आ रही हूँ। सो गाइस उसके बाद ने ना मुझे लीजा था और मैं यहाँ पे ना अपनी रिकॉर्ड कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिला इन दिनों, और जो सबमिट करना था मैंने वो जल्दी से शू शटा किया और सबमिट किया, पर जो रह गई थे वो करना था। सो गाइज उसके बाद ना अटेंडेंस की बारी थी बच्चों के, तो उसके बाद अटेंडेंस लिया मैंने। सो गाइज उसके बाद हो गई नेक्स्ट सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे। सो गाइज इसी तरह से उस दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया था, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्लिप जब शूट की तो वो मैंने इसमें ऐड किया। और गाइज ऐसा होता है ना कि सब कुछ आप नहीं ले सकते, कभी कभी ना सिचुएशन ऐसी रहती है कि, और मैं जब एक्सप्लेनेशन कर रही थी मैं तब कुछ भी शूट नहीं करती थी, और जब थोड़ा सा टाइम मिलता था आई मीन जब बेल को 5 मिनट्स या 10 मिनट्स रहते थे ना तभी मैं सब कुछ शूट करती थी। अभी तो मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए। सो गाइज ये जो प्यारी सी क्लास जो मुझे मिली थी आई मीन सब्स्टिट्यूशन में, तो वो है 6th क्लास। जब लास्ट टाइम आई थी तब मुझे इन लोगों को एक क्लास मिली थी, तब इन लोगों का और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छे से बन गया है। तो उसके बाद मैं जब भी उन लोग को दिखती थी ना तो वो लोग कहते थे कि टीचर प्लीज़ हमारे क्लास में आइए ना टीचर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जब मुझे सब्स्टिट्यूशन मिली थी तो मैंने इन लोग को एक्टिविटी कराई थी और न्यू चैप्टर इन लोग का स्टार्ट किया था। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को खाली नहीं बिठाना चाहिए, इन लोग को कुछ ना कुछ तो वक्त देना ही चाहिए, तो माइंड क्या है डाइवर्ट होता है। सो गाइज उसके बाद जो हमारे बॉयज़ है 8th के, इन लोग की हैंड राइटिंग देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी है, आई मीन इसके अपोजिट। सो गाइज मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये जो बच्चों की हैंड राइटिंग है ना इतनी इतनी ख़राब कैसे रह सकती है, जबकि जो वर्ड्स उन लोग को बोर्ड पे लिखाते हैं वो तो सही लिखाते हैं ना सब फैकल्टी, फिर और इतने मिस्टेक्स लिखते हैं, बाप रे ये बच्चे तो। सो गाइज के बाद ना ये जो मेरी फ्रेंड है उसने थोड़ा सा शूट किया है जो मैं करेक्शन कर रही थी नोट्स। सो गाइज इसके बाद हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसे कि मैंने कहा है कि ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी करने की आदत नहीं है, आई मीन 9 o'clock को करती थी, बट यहाँ पे ना कभी कभी 8:15 भी हो जा रहे थे और 8:30 भी हो रहे थे, तो जो खाना है वो अलग से नहीं निगल रहा था आई मीन नहीं जा रहा था। सो गाइज उसके बाद मैंने जैसे जैसे करके ब्रेकफास्ट अपना ख़त्म कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए, तो रेडी हो गई हूँ मैं। और मैं अपना टाइम देख रही थी कि मैं सही टाइम पे पहुँचूंगी या नहीं, तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स थे गाइज, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई थी मुझे, बट मैंने वो 10 मिनट्स भी यूटिलाइज़ किए हैं, जल्दी जल्दी गया मैंने। और ऐसी सिचुएशन होती है कि हर दिन आप जो टाइम पे जाते हो कभी कभी एक टाइम जो आप फॉलो कर रहे थे वो कभी कभी आपसे मिस ना हो जाए, तो ये एक डर रहता है, बट मैंने वो चीज़ भी होने नहीं दी।
जल्दी जल्दी गई और वक्त से पहले मैं वहाँ पहुँच गई थी गाइस। अभी आप देखिए। सो गाइस यही रहता है चलना, और है ना अब एक चीज़ की आदत हो गई थी ना, तो जो पैर है वो भी दर्द नहीं कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली हम जब यहाँ से कुछ 5 मिनट्स के रास्ते पे जाते हैं तब पैर बहुत दर्द देते हैं। सो गाइस उसके बाद सेम जब मुझे लीजर मिला था तो मैं ना बच्चों की बुक्स मंगा ली थी नीचे, 8th के बॉयज़ जो है तो उन लोग का ना करेक्शन कर रही थी, तो देखो कितने सारे मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, बट मैक्सिमम तो अच्छे ही लिखते हैं, बस कुछ कुछ है और वो कुछ कुछ बच्चों को ही सही करना है, ट्रैक पे लाना चाहिए ताकि नेक्स्ट ये मिस्टेक रिपीट ना करे। सो गाइस थोड़े तो इतने अच्छे लिखे हैं और जितना कहते हैं उससे ज़्यादा ही लिखते हैं, तो वो भी है इसमें। सो गाइस हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग और सेम एज यूजुअल मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए, और चलिए चलते हैं। आज क्या कैसा था डे? सो गाइस आज ना अब ऐसा हो रहा था ना मुझे कि मैं अब कहीं बैठ जाऊँ। अब तो गाइस जो रास्ते के जो लोग थे वो भी मुझे पहचानने लग गए थे। अब वो डे वहाँ से जा रही थी ना मैं इसलिए। सो गाइस अभी असेंबली के लिए थोड़ा सा टाइम था तो मैंने थोड़ा सा शूट किया है ये। सो गाइस उस दिन ना मैंने कुछ शूट नहीं किया है क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी था और बैक टू बैक क्लासेस थे, लीजर नहीं थी। जो जो कुछ भी शूट किया है यही शूट किया है बस, उसके बाद बैक टू बैक क्लासेस थे तो जो पीरियड प्लान थे वो मैं एक बार क्रॉसली चेक कर रही थी कि ये वीक में मैंने क्या क्या लिखा है अपने रिकॉर्ड में, तो बस यही था। और उसके बाद ना गाइस उसके बाद गाइस मैंने स्कूल से रिलेटेड कुछ शूट नहीं किया है, जैसे कि मैंने कहा है मेरे बहुत सारे क्लासेस थे। सो गाइस उसके बाद घर आई और घर आने के बाद सो गाइस बेसिकली ये वीक में फंक्शंस बहुत आए हैं और ना मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रह रहा था आयरन करने के लिए और जो ज्वेलरी वगैरह जो भी ड्रेस जो भी आउटफिट है लिखाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं है ना लिखा ही लेती हूँ और साइड में रख देती हूँ कि मुझे ये फंक्शन इस दिन ये पहनना है और उस दिन वो पहनना है, क्योंकि है ना घर में भी अम्मी की ज़िद थी कि चलना चलना चलना, तो अब मना तो नहीं कर सकते और इतना टायर्ड थी ना मैं। सो गाइस उसके बाद ना जब निकाह था ना, निकाह वाले दिन मैंने ये आउटफिट पहन ली थी, वो वाली मैंने वलीमे के लिए रख दी है और अभी मैं आ गई हूँ फंक्शन में। तो गाइस चलिए देखते हैं फंक्शन कैसा होता है, और फंक्शन तो अच्छा ही हुआ है, डेकोरेट भी अच्छे से किया है। सो गाइस अभी ना डिनर विनर विनर चिकन डिनर की बारी है। सो गाइस डिनर में जो मेनू था वो उसमें हरीज थी जो कि सबकी फेवरेट रहती है, और उसके बाद वो प्लेटर था और जो भी चीज़ें रहते हैं ना कुछ वैरायटीज चिकन्स थे, पर मुझे जो खाने थे मैंने वो खाए गाइस। और देख जैसे कि देख सकते, और डेजर्ट भी बहुत यम्मी था और सब कुछ बहुत यम्मी था। सो गाइस हो गया है नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए। सो गाइस अभी ना एक्टिव रहने का टाइम है, पैसिव रहने का टाइम नहीं है। सो गाइस चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या स्पेशल था डे में। सो गाइस जैसे कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन था मैंने जो किया 45 मिनट्स मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड को यूटिलाइज किया है इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन किया मैंने इनको, और ये क्लिप ना मैंने थोड़ी सी शूट की है, लास्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स थे। सो गाइस उसके बाद मैं घर आई। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये ऐसा क्यों हैंग लगाई, मतलब जो छोटा सा पेपर है। सो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट डे था मुझे एक्सपेरिमेंट करके बताना था बच्चों को, तो मैं पहले सेल्फ यानी कि पहले मैं घर पर करी वो एक्सपेरिमेंट और वही पेपर्स में लेके जाके बच्चों को एक्सप्लेन करूँगी ताकि इस तरह से प्रोसेस रहता है और इस तरह से एक्टिविटी रहती है। सो गाइस जो पेपर्स है आई मीन जो ऑयल पेपर एक्सपेरिमेंट था ना वो है ये,
तो गाइस 3 डिफरेंट लोकेशन पे हमें रखने रहते हैं। रूफ पे तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि रात का टाइम है, तो मैंने सोचा कि ये वाला जो ऑयल का पेपर है मैं इसको मेरे मुनमुन और गुनगुन पर ही लगा देती हूँ, और हाफ एन आवर के बाद मैं उसको ले लूँगी। और गाइस एक जो था मैंने बेडरूम में लगाया है उसको। तो गाइस बात एक इतनी अच्छी थी कि जो रस्सी थी ना, वो टंके वाली थी। सो गाइस हो गया है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, अभी मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए। सो गाइस जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था घर पर वो सक्सेसफुल हो गया है, और मुझे ना लोग का डिफरेंस बताना है बच्चों को, इसलिए मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन लोग को करके आने के लिए भी बोला। सो गाइस अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है मैं ना वो आज बच्चों को बताऊंगी, और इतना इंटरेस्टिंग दिखता है ना सब कुछ। सो गाइस जा रही हूँ मैं और सेम वैसे ही बाय वॉक। सो गाइस उसके बाद ना मैं आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो गर्ल्स को एक्सप्लेन करना था उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है, और बिना प्रिपेयर हुए आप कुछ नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, वरना मोए मोए हो जाता है। सो गाइस उसके बाद जब घर आई थी मैं, घर आने के बाद गाइस ये जो पेंसिल कलर्स है ना 2-in-1 वाले, ये मुझे दीदी ने भेजे हैं, और ये भी उन्होंने ही भेजे थे मुझे, और ये मुझे स्टेशनरी मिनी स्टेशनरी है जो मुझे बहुत पसंद है गाइस। मैं हमेशा है ना स्टेशनरी की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। सो गाइस उसके बाद ना नेक्स्ट डे हो गया था 26 जनवरी। सो गाइस 26 जनवरी है, और जो फ्लैग होस्टिंग की टाइम रहती है हर स्कूल्स में डिफरेंट होती है, और जल्दी जल्दी जाना था क्योंकि नाइट में भी मैं फंक्शन गई थी और मुझे ये मिस नहीं करना था बिल्कुल भी। सो गाइस मैं इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ ताकि लेट ना हो जाए, बट टाइम टू टाइम मैं पहुँच गई थी टाइमली। और गाइस फ्लैग होस्टिंग अच्छे से हुई है, और वो जो इवेंट था वो बहुत अच्छा दिखा मुझे, और फर्स्ट टाइम था एज ए ट्रेनिंग अटेंड किया मैंने फर्स्ट बार। जब हमारे स्कूल्स में होता था तब मैं ज़्यादा जाती नहीं थी। सो गाइस उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया है, उस दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया है, और 26 जनवरी अच्छे से गया। और जो HM थे वो सर, वो इतने प्यार से कह रहे थे सबको कि बेटा कैसे भी अटेंड करिए आप 26 जनवरी, तो मैंने किया अटेंड, हम सब ने किया और मिस नहीं कर सकते थे उसको, सर ने इतनी से कहा है। सो गाइस उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया है, अभी जा रही हूँ स्कूल के लिए। सो गाइस आ गई थी जल्दी, और गाइस उस दिन भी मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। सो गाइस नेक्स्ट डे हो गया है, सेम रूटीन सेम शेड्यूल वही फॉलो करना है, जाना था स्कूल को, और ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब जाना ही था। और जो डेज है गाइस वो बहुत जल्दी जल्दी इतने फास्ट जा रहे थे ना, कब आए कब चले जाए, कब चले जा रहे पता ही नहीं चल रहा। सो गाइस देखते देखते लास्ट डे भी आ गया है इंटर्नशिप का, और इतने डेज बहुत अच्छा दिखा, एक जो रूटीन थी वो फॉलो करने मिली, और थोड़ा सा सैड पार्ट ये है कि थोड़ा सा अलग ही फील हो रहा था कि अब नेक्स्ट डे से आना नहीं है यहाँ पे। सो गाइस देखिए आज मैंने क्या किया। सो गाइस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये जो एक रूटीन फॉलो हो गई थी ना वो, ये बहुत मैं मिस करूँगी क्योंकि जो मेरी वॉकिंग है बहुत अच्छी हुई है गाइस ये 40 डेज में, और यहाँ की चाय भी मैं बहुत मिस करूँगी, और सभी बच्चों को मैं बहुत मिस करूँगी, स्पेशली गाइस जो मेरे 6th 7th और 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। सो गाइस उन लोगों ने ये कहा कि ये मैं क्लिप अपने ब्लॉग में ज़रूर ऐड करूँ, और इन लोगों ने कितने अच्छे से मास्क लगाया है, और वो एक अच्छा सा लुक दिया है ना इसमें ऐड करने के लिए। और गाइस अच्छी पार्ट तो ये, सो गाइस बेस्ट पार्ट ये है कि इन लोगों ने मेरा ऑटोग्राफ भी लिया है, और ऐसा दिख रहा था ना मुझे स्टार वाली फीलिंग आ रही थी गाइस, बट मुझे अच्छा दिखा गाइस। और आप देखिए उसके बाद ये सारे क्लिप्स। सो
सो गाइस, उसके बाद जो 8th क्लास के गर्ल्स थे उन लोगों ने भी मेरा ऑटोग्राफ लिया है, और मैक्सिमम ने हाथ पे लिया है, और जो है लोगों ने जो शर्ट है उस पर भी लिया है। सो गाइस, मैं ना फर्स्ट टाइम इतने सारे ऑटोग्राफ्स दे दी, और ना और ऐसा हो रहा था लोग को अगर मैं ना भी बोलूँगी ना तो लोग को हर्ट होगा, अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा हो गया था ना, पूरे एक जगह से पूरा क्राउड कैसे हो जाती है, टीचर टीचर इधर, टीचर उधर, टीचर इधर, ओ माय गॉड, ऐसा कह रहे थे वो सब। और मैं मना करती तो बेचारियों का दिल दुख जाता। और गाइस, ये 40 डेज ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और ना दिल नहीं कर रहा कि लोग को छोड़ के जाऊं, ऐसा लग रहा है कि यहीं रह जाना चाहिए, बट जाना तो पड़ता है। और जो डेज हो गए थे वो, सो गाइस, सारे क्लासेस तो मिल के आ गई हो, और अब बारी इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्राइमरी के बच्चों की, तो इन लोग की भी क्लिप मैंने इसमें ऐड की है। गाइस गाइस, बहुत शरारती बच्चे हैं, और इतना शरारत किया है ना इन लोगों ने, जो हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन के लिए जाते थे ना इन लोग के पास, जो मैं और मेरे जो कलीग्स हैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और इन लोग को ना टू टू टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है इन लोग की क्लासेस में, तो आप सोचिए कितना शरारत करते होंगे ये। और गाइस बहुत प्यारे हैं, और ना और किस तरह से बाय कर रहे हैं, उन लोग को भी पता चल गया था कि हम लोग का आज लास्ट डे है इंटर्नशिप का। और गाइस बहुत अच्छा दिखा। और गाइस, ये देखिए जो 6th क्लास की गर्ल ने मुझे दिया है, थैंक यू। और गाइस, यही था इंटर्नशिप का व्लॉग, आई मीन जो जर्नी थी, बहुत अच्छा दिखा। और गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा दिखा तो इसे अच्छा, सो गाइस, मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।